जय बद्री विशाल, आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहे। और कविता बिज ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो दोस्तों, आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम से, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि होली की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि हमने होली की शुरुआत कर ली है, तो उसी के लिए मुझे थोड़ा होली के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। तो शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ मैं अभी मार्केट, इसलिए तैयार हुई हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं होली की शॉपिंग करने, और देखते हैं होली पे अभी मैं क्या क्या लेके आती हूँ। और कल से तो मार्केट में जाना नहीं होगा, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। सुनो, और हम चले गए। और ये देखिए, ये आज बिस्तर के अंदर हैं। ये गए थे कॉलेज और कॉलेज से थक के आ गए, और टुक टुक के हो गए हैं, पेपर खत्म, और टुक टुक सो गई है। टुक टुक सो गए? तो सो गए हो सच में? सो के मैं जा, कुछ लाना है? तुमने होली खेलनी है? नहीं, कुछ खाने पीने के लिए पसंदीदा नमकीन, मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ फ्रेश नमकीनें बनती है। हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, देख लेना बाहर, ठीक है, यहाँ कोई नहीं है। बंद करना है? बंद कर लेना, अभी चुनमुन आएगा तो लॉक लगा देना। अभी मैं उसको भेजती हूँ। तो बच्चे घर ही पे हैं और हम लोग जा रहे हैं, मैं और सिंपा निकलेंगे आज शॉपिंग के लिए, बहुत टाइम बाद। आजकल ये भी आए हुए हैं, कल ही आए ये भी, तो चलती हूँ सिंपा के साथ शॉपिंग करने। आ चुकी हूँ मैं बाहर, चलते हैं सीधा। और दोस्तों, देहरादून के मौसम की बात करें तो आजकल मौसम अच्छा हो रखा है, गर्मी भी होने लग गई है, लेकिन मेरी गर्मी तो अभी नहीं स्टार्ट हुई। मुझे हल्की पतली स्वेटर की ज़रूरत अभी भी पड़ रही है, इसलिए मैंने स्वेटर पहनी हुई है। ठंडा लग रहा है मुझे, लेकिन मौसम अच्छा है। और अभी निकलते हैं, और सिंपा ने तो इधर गाड़ी स्टार्ट कर दी है, और हम भी बैठ जाते हैं गाड़ी में और देखते हैं अभी हम कौन कौन जा रहे हैं। शायद रोशनी भी आएगी। रेडी है पायलट साहब? उधर ही सारे आ गए हम रास्ते में, ठीक है ठीक है। और ये देखो, रोशनी को याद किया और रोशनी का कॉल आ गया है, तो रोशनी भी हमारे साथ जाएगी। तो चलते हैं सीधा मार्केट। और इधर हमारे सिंपा बैठे हुए हैं। सिंपा कुछ बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे अभी। गाड़ी तो चलाते समय कुछ नहीं बोलते? बहुत अच्छी बात है, गाड़ी चलाते समय बोलना भी नहीं पड़ता, बिल्कुल नज़र सामने पे। और ये देखिए, रोशनी और जॉय भी आ चुके हैं। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। जॉय, आज ये नई कैपला है क्या? वेरी गुड। हाँ, अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, ये है देहरादून का ट्रैफिक। यहाँ जब भी आओ तो इसी तरीके का ट्रैफिक लगा होता है। और ये देखिए, जैसे ही हम मार्केट में पहुँचे तो यहाँ रंग पिचकारी, आजकल यही चीज़ देखने को देखी जा रही है मार्केट में। और मिठाइयों की दुकान में देखिए कितनी भीड़ है। ये देखिए, नमकीन वाली दुकान में भी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भरा। और अभी हम पहुँच चुके हैं धर्मपुर में, और यहाँ से लेंगे हम, तो बढ़ते हैं आगे। जहाँ से मैं नमकीन वगैरह गुजिया वगैरह लेती हूँ वो थोड़ा आगे पे है, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये सामने पे दिखाई दे रही है नमकीन गुजिया की दुकान, जहाँ पे कि काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। और यहीं से देखते हैं हम, ये देखिए क्या बोल रहे हो, उसे सेल घर में बनाएगी। और काफ़ी वैरायटी यहाँ पे नमकीन की देखने को मिलेगी, तो यहीं से लेके जाएंगे हम, और देखते हैं अभी क्या क्या लेते हैं। और यहाँ से हम लोगों ने कर लिया है शॉपिंग, और काफ़ी नमकीनें हमने अलग अलग वैरायटी की ले ली है। ये है पीछे से रोशनी, रोशनी ने भी काफ़ी नमकीन ले ली है, और मैंने भी थोड़ा सा गुजिया भी लेके आई हूँ मैं, क्योंकि इस बार घर में नहीं बना रही हूँ, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है इसलिए घर में नहीं बना रहे हैं। तो हमने कहा फिलहाल थोड़ा मार्केट से ले आते हैं, थोड़ा ठीक हो जाएंगे तो फिर बना लेंगे कभी भी। क्यों रोशनी, नमकीन तो देखेंगे, अभी हम बना भी सकते हैं ना, थोड़ा सही बात है। शोवा बनाएंगे हम घर में, हमारी फेवरेट नमकीन, मुझे बहुत अच्छी लगती।
इसलिए मैं थोड़ा लेके भी आई हूँ, टाइम लगेगा तो थोड़ा घर पे भी बनाएंगे। और अभी चलते हैं सीधा घर की तरफ, देखते हैं अभी आगे से भी कुछ सामान लेना होगा तो लेते हुए सीधा निकलेंगे घर को। और पहुंच चुके हैं हम मार्केट से घर पे, उसके अंदर ही डाल दिया चुनमुन ने, और चाय भी बना ली, पी लेते हैं शाम की चाय। और इधर बच्चों को हम क्या लेके आए थे, सब झपट पड़े हैं खाने पे, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए हम इनके लिए लेके आए थे पानी पूरी यानी कि गोलगप्पा, जो कि सबको बहुत पसंद है, और ये यहाँ पे खा रहे हैं। इनको मैंने नीचे बैठा रखा जिससे कि गंदगी ना हो। कैसा हो रजोय, मस्त पानी अच्छा हो रहा उसका, निशा ने बना रखा है स्पीड से ही पता लग रहा है। ठीक है स्पीड जॉय की पसंद है पानी पूरी मेरे को भी, मैं अभी जब कभी शादी में जाती और कुछ खाऊं ना खाऊं पानी पूरी जरूर खाती हूँ। कैसा खाओ ना? ना अभी मन नहीं हो रहा, अभी चाय पी रहे, तुम खा लो डट के खा लो तुम। तो मौसी भी कर रही है, खैर दे दो मौसी को। अभी नहीं हो रहा ना, अभी चाय का टाइम है, चलो तुम लोग खा लो आराम से। ठीक हो रहा टुको? नहीं टुक टुक तो तू टुक टुक की बात करे, टुक टुक ना बात के लिए कांटा लाती है। अब बोल सबसे बड़ी नंगी आ रहे हैं। हाँ कांटा और चम्मच, कांटा और चम्मच, कभी कभी वो डंडे ला रही बात खाने को। वो कभी नहीं लाई मैं, नहीं लाई झूठ। खा लो खा लो। और अभी आई हूँ मैं रात को राखी के यहाँ पे, और टाइमिंग हो चुका है रात के 10:30। और यहाँ पे इतनी लेट में आने का क्या कारण है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि अब नवरात्रों में कुछ समय बाद हम लोगों की रामलीला होगी अजंता इनक्लेव में, बहुत जल्दी होने वाली है रामलीला, जिसकी कि यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है। तो हम सब लोग यहाँ पर रात को एकत्रित होते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों को किसी भी महिला को दिन में समय नहीं लगता है, और होली का वक्त भी है, बहुत काम घर पे हो जाते हैं जिस कारण कि हमको टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमने रात्रि का समय रखा हुआ है प्रैक्टिस का, तो रात को अभी हम लोगों की प्रैक्टिस चल रही है, और बहुत जल्दी आपको अजंता इनक्लेव में रामलीला महिलाओं द्वारा दिखाया जाएगा। और इसकी कैसी प्रैक्टिस चल रही है थोड़ी सी एक झलक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। चलते हैं अंदर। पुरुष महिलाएं दोनों शामिल होंगी। त्रिपुरा
लक्ष्मण बोलता है अगर मैंने अगर इस धनुष को मैंने कमल दंडी के समान नहीं तोड़ा तो मैं तब बोलता हूँ जब जनक ये बोलता है क्या जनक बोलता है कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो धनुष को तोड़ सके आप मतलब अपने घर को जाओ अब धनुष नहीं टूटेगा जाओ जाओ ऐसे को कार्य होने का तब लक्ष्मण बोलता है कि लक्ष्मण बोलता है गुस्से से उठता है रघुवंशी हम रघुवंशी हैं हमारे सभा में छत्तीस बिरादरी रघुवंशी हम छत्तीस बिरादरी में देखते हैं बोल जिस सभा में कोई भी रघुवंशी होता है उस सभा में ऐसी अनुचित बातें कोई नहीं करता कोई नहीं करता जैसे कि राजा जनक ने की है हे महाराज यदि मैं आपके किसको बोलते हैं राम को हे महाराज यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो इस धनुष को मैं कमल दंडी के समान तोड़ दूं कमल दंडी मतलब फूल की तरह तोड़ दूं कमल दंडी के समान तोड़ दूं तोड़ डालूं यदि ऐसा न करूं तो मैं प्रभु के चरणों की शपथ लेता हूं फिर से मैं धनुष बाण कभी हाथ में नहीं रखूं क्योंकि धनुष बाण फेंकता है कभी हाथ में नहीं रखूंगा तब राम धनुष बाण उठा के देता है तब उठता है राम तब पहले विश्वामित्र का होगा ये खड़ी चौपाई ना उठ चंद चौपाई जैसे कुंजल का मठे जय रे उसको तोड़ेंगे और सीता जी को भी आएंगे अब सीता को हो गया भाई अगर लाओ सीता अगर जाओ तब राखी मामी मम्मी और बड़ी मम्मी तीन सीता है दे रहे हो तीन तीन राम भी तो है तब एक एक तीन बहन की सीता और चार बहन बहुत कठिन से एक बहन अभी सेल निकाल दी आया सर दीजिए कुंभकर्ण सुपारी
वो सभी लेके क्या हो रहा है भाई। चलिए सीता पूजन को ये वाला पशुओं वाला लगा जाओ जी जाओ जाओ जी जाओ मारते जब वो जाता है जब वो देखता है ना कि वो तीर मारता है राम राम पहले वो कर देते इसी के साथ रामलीला की प्रैक्टिस हो चुकी है खत्म, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, अब कल होगी। और अभी मैंने आप लोगों को इसमें थोड़ा बहुत ही दिखाया है। सारे कलाकार जाएंगे अब अपने अपने घरों को, बड़े बड़े कलाकार वही तो बड़े बड़े कलाकार ये देखिए सब लोग प्रैक्टिस के बाद अपने घर को जाते हुए। और मैं हैं वो तो अभी दिखाए ने कोरस का भी दिखाए नंदा नगर भाई तो इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, और जिसकी थोड़ा बहुत झलक किया हम लोगों मैंने आप लोगों को ब्लैक ब्लॉक में लगा। और प्रैक्टिस के बाद सब लोग चले गए हैं अपने घर, और थोड़ी दूर पे है हमारा और हम तीनों जा रहे हैं। बाकी लोगों का घर तो आ चुका है और रात के बज चुके हैं। कितना हो रहा चुनम 11:40 12 बजने वाले हैं, तो हमारी प्रैक्टिस डेली 12 बजे तक चलेगी।
हूँ का मतलब। और अभी चलते हैं घर को, चलेगी 12 बजे तक, लेकिन कल होली का दहन। हाँ कल तो होली का वो है, जिस दिन काम होगा उस दिन नहीं चलेगी, बाकी दिन तो चलेगी ही चलेगी। और चलते हैं अब घर की ओर, टाइम भी बहुत हो चुका है। तो दोस्तों रात काफ़ी हो चुकी है, तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में, नई दिनचर्या के साथ, नई चीज़ें लेकर के। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्रिया राम, जय श्रिया राम।